जयपुर नवाड सैलानी क्षेत्र में पीने के पानी की लाइन करीब एक साल से बंद पड़ी है। समस्या का समाधान न होने पर लोगों का पारा अब चढ़ गया है। जल संस्थान पहुँच लोगों ने अधिशासी अभियंता संजय श्रीवास्तव से कहा कि जब से नए आदेशों के तहत नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं, तब से करीब 25 लोगों के घरों में पीने के पानी की समस्या हो रही है। लोग पानी के टैंकरों से 600 रुपए प्रति टैंकर के हिसाब से भुगतान कर रहे हैं। वहीं लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि जब जेई से इस मामले में शिकायत की तो उन्होंने मामले को टाल दिया। फिलहाल अधिशासी अभियंता ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया है कि जल्द ही समस्या को सुधारा जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे वहाँ पे ना पानी की समस्या बड़ी 1.5-2 साल से बहुत समस्या हमारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, और अभी ये हाल हो गए हैं कि पानी बिल्कुल चौक है, बंद है, बिल्कुल पानी आता ही नहीं है। हम लोग पानी लेके आते हैं, हम लोगों के वहाँ पे फतेहपुर है, फतेहपुर बाजार से पानी लेके आते हैं, लगभग वहाँ से 0.5 किलोमीटर दूर है, हम वहाँ से पानी लेके आते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, पहले वो पानी लाते हैं, उसके बाद फिर वो स्कूल जाते हैं, ये सिचुएशन आ रही है वहाँ पे। हमारी ग्राम नवाड़ सैलानी जो राजस्व गाँव है, उसके तोक एक गैर वैशाली तोक है, उसमें तो ये पानी की समस्या के लिए यहाँ पे आए हैं। जल संस्थान ऑफिस में आज एक ज्ञापन दिया है अधिशासी अभियंता महोदय को कि 25-30 घरों में पानी नहीं आता है। वहाँ क्या है कि समस्या, कोई व्यक्तिगत 2-3 घर ऐसे हैं जो पानी की लाइन को चोक कर दे रहे हैं। तो काफ़ी टाइम से जेई से कहते हुए हमें समय हो गया, अगर भी 1 साल से ऊपर हो गया है, 1.5 साल, 1 साल से ऊपर ही हो गया है, तो कह रहे हैं कि जी समाधान कर दो, इसका समाधान कर दो, जेई महोदय को टाइम ही नहीं है। तो लास्ट में आज हमें जनता के साथ, क्षेत्र की जनता के साथ, उन 25-30 परिवारों के साथ अधिशासी महोदय के पास आना पड़ा कि भाई हमारे समाधान करवाइए, कम से कम 25-30 घरों में पानी तो दिलवा दीजिए। ये फतेहपुर से लोग आए थे अभी यहाँ पर, ये बेसिकली इनकी पानी की दिक्कत है, और दिक्कत ये है कि कुछ लोग जो बीच में जिनके घर पड़ रहे हैं, वो लोग बीच में कुछ पानी में वो पत्ती वगैरह लगा के वो यूज दुरुपयोग कर रहे हैं, और नीचे वालों को पानी नहीं पहुंच रहा, आगे वालों को। तो उसके लिए है जेई साहब, यही साहब हमारे जाएंगे और जो भी ये समस्या है समाधान किया जाएगा। और वैसे भी जेजम में इस गाँव का हम लोग इससे मिशन कर रहे हैं और से पानी बढ़ाने के लिए, तो एक और रास्ता भी है जिसमें जेजम में सुदृढ़ करके हम और पानी बढ़ा देंगे इन लोगों का।